व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम टू नद्दा ब्लॉग। और यहाँ पे पता है हर बंदे ने वेस्टीज के बारे में जरूर सुना होगा। वेस्टीज एक MLM मार्केटिंग की तरह है, और वैसे है नहीं, वो पूरी की पूरी MLM मार्केटिंग ही है। तो पता है यहाँ पे सीन ये हुआ था, जो मेरा फ्रेंड है ना, उसका एक फ्रेंड है, वो बंदा वेस्टीज में काम करता है, और मेरा जो फ्रेंड है ना अजय, उसने पता है उस बंदे के साथ किया एक प्रैंक, और प्रैंक करते करते उसने बताया पूरी की पूरी पोल खोल डाली वेस्टीज वालों की। मैं तुम्हें पूरी की पूरी कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता, तुम्हें तब पता चल जाएगा। कहने का मतलब ये है, इस कॉल रिकॉर्डिंग में वेस्टीज वालों का पूरा पर्दाफाश हो चुका है। ये कॉल रिकॉर्डिंग है। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी, क्या सर? अपन हो रही है? यस सर। हाँ सर, ये वेस्टेज वगैरह का ज्वाइन करना था सर। यस सर, बोलो। हाँ सर, क्या करना पड़ेगा सर ये वेस्टेज ज्वाइन करने के लिए? आपका एक आधार कार्ड लगेगा, बाकी जो आप सामान घर का लेना चाहते हो सामान लेना पड़ेगा आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। और कोई फॉर्मेलिटी होती है क्या इसमें? नहीं नहीं, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है आपकी। नहीं कदे भाई, वो और कंपनियों की तरह भाई पैसे कदे तुम बाद में बोलो भाई पैसे दो, ये करो वो करो, ये होता नहीं। नहीं सर, वो सिस्टम नहीं है। आप जितने रुपए दोगे आपको उतने का प्रोडक्ट मिल जाएगा। अच्छा, स्टार्टिंग टाइम पे आपको सिर्फ 2,000 से 3,000 तक का सामान लेना होता है, उसके बाद आपकी मर्जी है, आप जितना मर्जी का सामान लो। ये पूरी की पूरी पता है 8 मिनट 45 सेकंड की रिकॉर्डिंग है। एक बार तुम लोग पता है पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग सुन लो, मैं उसके बाद बताता हूँ। और वैसे पता है जो भारी आवाज में बंदा बात कर रहा है वो है, उसने पता है अपनी आवाज़ थोड़ी सी बदल रखी है। बस पता है मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आई कि उस बंदे को पता कैसे नहीं चला कि ये बंदा अपनी आवाज़ चेंज करके बात कर रहा है। एक बार तुम बताए पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग सुन लो। तो इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा सर? सर फायदा ये है कि जो सामान आप लाला से लेकर के आ रहे हो वो सामान आप यहाँ से लोगे तो उसके ऊपर पक्का बिल मिलेगा आपको। नहीं नहीं सर, आप गलत बोल रहे हैं, हम लाला से नहीं, हम काला से सामान लेते हैं हमारी गली के बाहर। आगे बताइए आप। हाँ तो वही मैं बता रहा हूँ, काला से लेते हो, लाला से लेते हो, किससे भी लेते हो, ठीक है, वही सामान आप यहाँ से लेते हो तो आपको एक तो पक्का बिल मिलेगा। अच्छा, और उसी भी बिल पे आपको 5 से 11% कैशबैक मिलेगा। अच्छा, अरे नहीं, मैं ज्वाइन मेरे को नहीं करना है, एक्चुअली मेरी बेटी को करना है, उसने शायद आपको मैसेज भी करा होगा। यस यस, हाँ तो उसको करना है, वो कह रही है कि 1 साल करके ओटी ले लूंगी, आपका नाम रोशन कर दूंगी। मेरे को तो समझ नहीं आया भाई क्या होता है ये सब चीज, मैं आपसे बात ही कर लूँ डायरेक्ट। सर बढ़िया आपने बात करी, मेरे को 1.5 साल हो गया कोविड के टाइम में आया था, जब पूरी दुनिया बंद थी फिर भी मैं कोविड में 10,000-12,000 रुपए अर्न कर रहा था। साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का। अच्छा यस। अच्छा अच्छा, तो सर कितना टाइम हो गया सर आपको इसमें? 1.5 साल हो गया सर। अच्छा 1.5 साल सर, इसमें तो ये बोलते 1 साल में गाड़ी निकलवा देंगे, गाड़ी नहीं निकलवाई आपकी? सर एक मैं गाड़ी मेंटेन कर रहा हूँ ऐसी, नेक्सा लेनो। अच्छा 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 यस, और यहाँ से बुलेट ले चुका हूँ, स्कूटी ले चुका हूँ। अच्छा तो मतलब कमाई तो है इसमें सर, जिस तरह से आप बता रहे हो सर, करने वाला होना चाहिए, कमाई बढ़िया है इसमें। अच्छा, कि आप एक टाइम पे अगर हम स्टडी भी करते हैं तो 12-13 साल स्टडी को देना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, मैं तो भाई साहब क्या बताऊं, इसकी पढ़ाई पे पैसे फूक फूक के बर्बाद हो गया, ये मेरे को कंगाल कर देगी। अब नू कह रही है कि भाई आगे और पढ़ाओ मेरे को। वही तो सर, हम अगर 12-15 साल पढ़ते हैं उसके बाद फिर बाहर मार्केट में उतरते हैं किसी के सामने की हमारी वैल्यू लगाओ कि हम कितने नालायक हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बिल्कुल सही बात कह रहे हो। और एज क्या होगी सर आपकी? सर अभी ज्यादा एज नहीं, सिर्फ 18 साल की एज है मेरी। अरे सर वाह सर, आप एज के हिसाब से तो बड़ी मैच्योर बातें कर रहे हो सर आप। सर सही टाइम पे वेस्टेज मिल गई ना भाई सर, कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी। अरे अरे अरे, मतलब आप 18 के भी नहीं हुए थे, आपने तब से वेस्टेज कर रखा है। यस, पहले पापा की आईडी पे वर्क कर रहा था, फिर 18 साल का जब मैं हुआ तो अपने नाम पे आईडी ट्रांसफर करवा दी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वही मेरे को तो भाई देखो पुराने ख्याल के हैं भाई, आपको भी पता ही होगा सर, ठीक है 18 साल की उम्र को तो सर बोलते हुए भी वैसा लग रहा है। नहीं सर ऐसे नहीं, लेकिन भाई अब इज्जत तो देनी पड़ेगी ना भाई, क्या कर सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर आपकी बड़प्पन है जो आप रिस्पेक्ट दे रहे हो। अरे नहीं नहीं सर, देखो अब वही बात है ना, मेरे को तो पता भी नहीं है ये सारी चीजें क्या होती हैं, बस यही मेरी बेटी जिद कर रही थी, ठीक है, फिर किसी के थ्रू आपका नंबर निकला तो इसने कहा कि मैं मैसेज कर रही हूँ, मेरे को वेस्टी ज्वाइन कराओ, वेस्टी ज्वाइन कराओ, मेरे को ओटी लेनी है, ओटी लेनी है। मगर भाई ये क्या नया सिस्टम काट दिया था ना घर में सर, ये है कि अगर आप 3 साल इसको अपने रॉयल्टी के साथ देते हो ना
अच्छा, तो 3 साल बाद आपको ये है कि ना तो मार्केट में जॉब के लिए आपको भागना पड़ेगा, या फिर आने वाले टाइम में अगर फिर दोबारा लाइफ में या फिर फ्यूचर में अगर कोविड जैसी सिचुएशन आती है तो आपको इतनी घबराने की टेंशन नहीं होगी कि आप घर कि हमें पैसा आएगा नहीं आएगा अब दोबारा। आप अगर कहीं ना कहीं फील्ड में किसी न किसी फील्ड में वर्क कर रहे होगे। अच्छा बिल्कुल कर रहे हैं बेटा, खुद की वो है हमारी तो। क्या चीज? हमारे बेटा मील चलती है, मीले होती है ना मीले। वही सर, आप अगर मील चलाते हो आप उसको देख रहे हो कि 2 साल से आपका मील का क्या चल रहा है भाई। तो, क्या बताऊं छोटे दोस्त, मैं बुरा हाल हो रखा है यहाँ तो, बस चल रहा है रोटी पानी चल रही है किसी तरह। सेम सर, मैंने फिर 1.5 साल में मतलब कोविड के अंदर ही मैंने वेस्टी जॉइन करी थी, फिर भी कोविड के फर्स्ट मंथ का पे आउट मेरा 28 रुपए था और अभी हाईएस्ट यहाँ से मेरा 22,000 रुपए का पे आउट चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, 18 साल की उम्र में 22,000 निकाल रहे हो आप यहाँ से? यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, और कार वगैरह बुलेट वगैरह भी मेंटेन कर रखी है आपने? यस सर। चलो ये तो बहुत बढ़िया बात है, आप लाइफ में और आगे जाओ, मेरी बेटी का ज्वाइन करवा दो अगर। सर देखो आपके भरोसे मैं करवा देता हूँ, वैसे बोल के अगर अच्छा लगा तो मैं भी कर लूंगा आज के आज ज्वाइन। सर हाँ तो बढ़िया है ना, आप और आपकी बेटी दोनों मिलकर सपोर्ट होगा तो और बढ़िया बात है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही दे रहा हूँ कोई अभी घर वाला की शुरुआत में सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो घर वाले कह रहे थे कैसी कोविड की सिचुएशन चल रही, कहाँ तो फंस रहा है, स्टडी में तो बढ़िया है ही, अपना स्टडी करके कोई बढ़िया सी जॉब देख ले। अच्छा, हमारी मिडिल क्लास फैमिली क्या होता है कि अच्छा खासा पढ़ोगे लिखोगे, शुरुआत से ही बच्चे में डाला जाता है कि अच्छा पढ़ अच्छा लिख अच्छी नौकरी ले। वही बात है बेटा, वही बात है। अब तो हम इसको अपनी बेटी को हर चीज के लिए सपोर्ट करते हैं। इसका बॉयफ्रेंड है, देखो हंसे रही है बगल में बैठ के पागल लड़की, इसका बॉयफ्रेंड है, हमने उसके लिए भी मना नहीं करी भाई। हम मतलब पुराने ख्यालत के बेसक है बेटा हम, लेकिन हमने कभी रोका टोकी नहीं करी बच्चों पे भाई, जो उनका कोर्स बोला वो करवाया। अब कह रही है वेस्टेज करनी है, मैं कहा भाई तू वेस्टेज भी करो लेकिन मेरे को पहले पता करने दे सही बंदे के साथ करेगी या कैसे करेगी, कहीं फिर इसके आम ना हो जाए। होते है ना, होते है ना, बहुत मार्केट में बहुत कंपनियां हैं स्कैम कर देते हैं कि कोई नू कहे कि भाई वो और आयुर्वेदिक बेचो दवाइयां बेचो ठीक है, फिर बंदे जोड़ो फलाना करो बेरा ना भाई, क्या क्या चीज होया करती है इसमें, तो हमने तो ये भी ना पता। ना ना सर, अगर ये है कि अगर आप सही से वर्क करते हो तो मैं तो 3 साल कह रहा हूँ, अगर आप की बेटी 1 साल कह रही है तो 1 साल में भी बहुत बड़ा कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं बेटा लगन तो बहुत है, देखो अभी भी बॉयफ्रेंड से टैक्स कर रही है, पूरे लगन से कर रही है, कोई वो लगन तो इसकी हर चीज में बेटा बढ़िया लगन होनी चाहिए। लगन तो है बेटा, वही लगन अगर हम किसी अच्छे प्लेटफॉर्म या फिर अच्छे डायरेक्शन में लगाए तो और बढ़िया होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है बेटा, और आप मतलब सही चीज है ना ये, कहीं मैं आपके भरोसे कर रहा हूँ सर। आप जहाँ मुझे सर्च करके सब कर सकते हैं, गूगल पे यूट्यूब पे। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। और ले, अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। बढ़िया भाई, मजे ले लिए क्या लपेटा बंदा, आवाज मैंने पहले ही पहचान ली थी भाई। भाई चूतिया बनने का यही बोलता बंदा। नहीं नहीं, मैंने कह रहा हूं भी है, मैंने पहले ही बोला देख बन भाई, ये कोई ना बंद कोई ना मत ना, मजे ले रहा है तेरा। फर्स्ट टाइम भी फोन आया था तो मैंने यही बोला, और अभी जो तू पहले फोन किया था तुमने थोड़ी देर पहले, तो मैंने भी बोला कोई मजे। एक्चुअली मैं यहां पे सीन ये था, फ्रेंड है ना वेस्टेज में काम करता है, उस बंदे से मजे लिए पोल, और पता कहने का मतलब है पूरी की पूरी पोल गोल डाल दी वेस्टेज वालों की। मुझे पता लगा था थारा भाई जोगिंदर सबसे बड़ा स्कैमर है यहाँ पे, लेकिन पता है वेस्टेज वाले उसके भी पापा हैं इस मामले में। कहने का मतलब ये है बंदे ने करा उसके साथ प्रैंक, और प्रैंक करते करते बंदे की खुल गई पूरी की पूरी पोल। बंदा 18 साल का है, 22,000 रुपए अब जाके कमाता है, बंदे ने एक कार भी निकलवा रखी है, बुलेट निकलवा रखी है, स्कूटी निकलवा रखी है। अब मैं तुम्हें कैसी कैसी कहानियां बताऊं, बंदे का नाम नहीं बताऊंगा मैं कि बंदा करता क्या है, ये भी नहीं बताऊंगा तुम्हें, कहने का मतलब ये बंदे के बारे में कुछ नहीं बताने वाला, क्योंकि वेस्टेज वालों को हाल तो तुम्हें पहले से ही पता है, वो हर बंदे को पकड़ते हैं, उन बंदों का काटते हैं रख के, और बस निकलवाते हैं पैसे, अपने तो पैसे डुबाते डुबाते हैं, फिर जो और बंदों को रिकमेंड करते हैं ना उनके भी डुबाते हैं। फिर ये पूरा का पूरा स्कैम वाला ग्रुप है, और वेस्टीज तो है ही, वेस्टीज के साथ पता है ऐसी बतेरी कंपनियां जो स्कैम मारती हैं। वैसे मैंने एक दो बंदों का अपने सामने होते हुए देखा है, और बाकी मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मुद्दा ये है ये बंदे पता है अपने प्रोडक्ट बेचते हैं और अपने प्रोडक्ट आगे करते हैं रिकमेंड, और उसके बाद लेते हैं कमीशन और काटते हैं बंदों का। और बंदा देखो कितना चढ़ता, बंदा कहने लग गया मेरे को पता था कि तू है कॉल पे मजे ले रहा है, लेकिन बंदा देखो इम्प्रोवाइज करके ना अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बंदे की बात है तुम्हें सुन के पता चल गया होगा कि बंदा पता है फंस चुका है, और बंदा क्या तगड़े वाला फंसा है यहाँ पे। तो वेस्टेज वालों से रहे बच के, कहने का मतलब है जितने भी MLM वाले होते हैं ना
उन सब से बच के रहना। वैसे पैसे तो कोई भी बना लेता है, बस बनाने आने चाहिए, लेकिन 90% केसेस यही है कि सारे का सारे बंदे पता है यहाँ पे फंस जाते हैं। I'll just make you cry, and I don't wanna fight with you.